हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी मैं हूँ आगरा में, और मैं इससे पहले भी आगरा आ चुका हूँ, तो मैं आगरा तो घूमने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं चल रहा हूँ फतेहपुर सीकरी, जो आगरा से 37 किलोमीटर के दूरी पे है। और आगरा की वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, मैं इससे पहले जब आया था तो मैंने वीडियो बनाई थी आगरा की, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और भाई, अभी मैं ठंडे इलाके बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। अब देखो कब जाने को मिलता है ठंडे इलाके, तो भाई बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ ठंडे इलाके। और अभी हमें यहाँ से देखते हैं फतेहपुर सीकरी के लिए बस मिलेगी तो बस से चलेंगे, या जीप भी चलती हैं फतेहपुर सीकरी के लिए, तो देखते हैं क्या चीज़ मिलता है। ये है ईदगाह बस स्टेशन, और यहाँ से हमें फतेहपुर सीकरी के लिए बस मिलेगी। और बस स्टैंड कुछ इस तरह है, यहीं से हमें फतेहपुर सीकरी के लिए बस मिल जाएगी। बस तो पूरी खाली है, अब देखो कितनी देर में यहाँ से चलती है। देखिए पूरी बस खाली है। अभी मैं पहुंच चुका हूं फतेहपुर सीकरी, और इस साइड में काफ़ी बड़ा गेट है, काफ़ी बड़ा गेट है। और आप आगरा से फतेहपुर सीकरी जब आओगे तो आपको सबसे पहले यही गेट मिलेगा। दीवार भी काफ़ी बड़ी है भाई, काफ़ी दूरी तक दीवार है। और ये है गेट, और इस साइड में भी काफ़ी दूरी तक दीवार है, और ये इस साइड की जो दीवार है टूटी हुई है। और ये जो रास्ता है ये किले को गया है, तो अभी हम किले को चलेंगे, और ये रास्ता सीधे निकल गया है राजस्थान को फतेहपुर सीकरी होते हुए। बादशाह अकबर सीकरी को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे, इसीलिए यहाँ पे निर्माण करवाया किले का। और अभी तो भाई आगे का साइड का जो एक किला है सब टूट गया है, देख पा रहे होंगे ये सब टूट गया है। और मेन किला जो है वो आगे है इस साइड में, और यहाँ पर आगे एक गेट भी है। और मैं इस साइड से आया हूँ, और देख पा रहे होंगे ये सब किला टूटा हुआ है, ये आगे का साइड का है, और मेन किला जो है वो आगे है इस साइड में। रोड तो भाई काफ़ी शानदार है, और ये सब किले हैं जो टूटे हुए हैं। और इस साइड में लिखा हुआ है हमारी विरासत हमारा गौरव, और ये है गेट। गेट में तीन रास्ते हैं, एक ही रास्ते से आते जाते लोग हैं भाई, और आगे एक गेट और है। ये भी एक गेट है, एक गेट ये भी है, इधर भी एक गेट है भाई, चारों तरफ गेट हैं। देखिए इस साइड में एक गेट है, एक ये है, और ये एक गेट है जो काफ़ी बड़ा है, और इस साइड में भी गेट, चारों तरफ गेट हैं। अभी मैं किले के अंदर आ चुका हूं, और यहां पे एंट्री टिकट भी लगता है जो 50 रुपये का है। और एक चीज़ की किले के अंदर कैमरा ट्राईपोड ये सब लाना अलाउ नहीं है, जो मेरा ट्राईपोड था वो वहीं गेट पे जमा हो गया है, तो मैं ऐसे ही हाथ में पकड़ कर फ़ोन वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई ये सब लाना अलाउ नहीं है। अभी मैं इस साइड से आया हूँ, और ये है दीवाने खास, और इसके अंदर चलकर देखते हैं क्या चीज़ है भाई, कैसा बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है दीवाने खास, और इसके अंदर देखते हैं भाई, इसके अंदर तो भाई काफ़ी शानदार बना हुआ है। काफ़ी शानदार है भाई, और इस साइड में यहाँ पे खजाना लिखा हुआ है, देखते हैं पढ़कर भाई कौन सा खजाना है।
लिखा हुआ है। 3 कमरों वाला यह भवन, जो गलती से अब आँख मिचौली कहा जाता है, वास्तव में सोने चांदी की के सिक्कों का राजकीय कोष था। वाकई भाई, देखते हैं अंदर भाई। ऐसा ही है भाई, अंदर कुछ है नहीं। ये सामने अनूप तालाब है और पानी तो भाई गंदा है। और इस साइड में एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, जो कि भाई बहुत ही गजब का लग रहा है। और इस साइड में एक 5 मंजिल की इमारत है वहाँ पे। और तो भाई जो है देख लीजिए, वहाँ पे भाई एक कोई चीज़ रखा हुआ, जिसे कफ रखा हुआ है। चलकर देखते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पे कितने छोटे छोटे खंभे लगे हुए हैं भाई, ज़्यादा लंबा आदमी रह गया तो इसमें ऐसे ही टकरा जाएगा, निकल ही नहीं पाएगा। देखिए भाई, ये तो कफ जैसा है। अभी ये क्या चीज़ है ये तो भाई नहीं मालूम है, लेकिन काफ़ी बड़ा है। अंदर देखते हैं क्या चीज़ है, मुझे दिख नहीं रहा क्या चीज़ है। पानी है भाई, किला तो भाई काफ़ी बड़ा है। और गर्मी लग रही है, इसके चलते ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा घूमने में। और भाई राजा महाराजा लोग इतने बड़े बड़े किले बनवाते थे, मानना पड़ जाएगा। और ये जो फतेहपुर सीकरी है, ये पूरा किले के अंदर ही शहर है। देख पा रहे होंगे, ये किले की दीवार जो है वो शहर के बाहर बाहर में है। बैक कैमरे से दिखाता हूँ, सफ़ा दिखेगा अभी। ये पूरा फतेहपुर सीकरी है, जो किले से काफ़ी शानदार दिखता है। और यहाँ पे एक ट्रेन जा रही है, और अभी मैं वहाँ से आया हूँ। वहाँ गेट दिख रहा होगा, ये देखिए, ये दीवार जो है ये, यहाँ से मैं आया हूँ अभी। और शहर के बाहर बाहर दीवार है, और यहाँ पे भी एक गेट है। एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे एक गेट है किले का। और ऐसे दीवार आई है, ये जो पानी की टंकी है, इसके जस्ट पीछे में दीवार है। और एक गेट यहाँ पर भी है, ये रहा है गेट। और ऐसे ऐसे दीवार चली गई है। तो भाई ये जो फतेहपुर सीकरी शहर, ये पूरा इस किले के अंदर में है, दीवार शहर के बाहर बाहर में है। यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है, और ये है किला। ये पूरा किला है, जो काफ़ी भाई बड़ा किला है। ये है भाई बुलंद दरवाज़ा, और दरवाज़ा तो भाई काफ़ी बड़ा है। और सीढ़ियाँ देखिए, दरवाजे तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ तो काफ़ी सारी हैं भाई। और ये पूरा शायद किला का हिस्सा ही होगा। दरवाज़ा तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी गजब का लग रहा है देखने में। यहाँ से देखिए बुलंद दरवाज़ा काफ़ी शानदार दिख रहा है भाई, है ना भाई, काफ़ी गजब का दिख रहा है यहाँ से। आज तबीयत मेरी थोड़ा डाउन है, तो इसीलिए वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने जितना घूमा है उतना मैंने दिखाया है, और तो यही था इस वीडियो में। और हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मन नहीं कर रहा, बिल्कुल से मन ही नहीं कर रहा वीडियो बनाने को। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।